सो यो व्हाट्स अप गाइस, कैसे हो सब लोग। वेलकम बैक टू माय द ब्रांड न्यू व्लॉग। तो गाइस, फाइनली मेरे जो बोर्ड्स के एग्ज़ाम थे वो ख़त्म हो चुके हैं। फाइनली कल ही ख़त्म हो चुके हैं, बट मैंने सोचा था कि कल व्लॉग कर लूँ, बट नहीं कर पाया सम रीज़न। तो आज घर पे कोई नहीं है, मैं अकेला हूँ घर में अभी फ़िलहाल। तो और अभी बज रहे हैं 1:30 हो रहा है। तो मुझे अंदर से ना एक ऐसा चुल मच रही थी ना, कुछ तो करना है भाई, अभी कुछ तो करना है। आज ऐसा फ्री, आज सुबह से भी संडे है, तो सोचा चलो चिकन बना लेता हूँ। तो चलो फिर चलते हैं हम चिकन लेने को। मैं एक्चुअल में ना चिकन अपना जो ड्रम स्टिक्स होता है ना उसका कुछ तो करने वाला हूँ। तो बस देखना कि मैं क्या करता हूँ उसका, जैसे अपने थंबनेल में तो देख ही लिया होगा ऑलमोस्ट। तो बस आपका मैं वापस एक बार स्वागत करना चाहता हूँ मेरे इस ब्रांड न्यू ब्लॉग में। और मैं ये सोच रहा हूँ कि अभी ना मैं जो मेरे ब्लॉगिंग की जो सीरीज़ है ये मैं ना डेली शूट करके अपलोड करूँ। अगर आपको ऐसा चाहिए, मतलब चाहिए क्या, मैं यही बोल रहा हूँ, आप बस ना मुझे कमेंट में कर दो यस, तो मैं डेली करने कर लूँगा वो सारे जितने भी ब्लॉग्स हैं मैं सारे अपलोड कर दूँगा उसके अंदर। क्योंकि है ना बहुत मेहनत लगती है सारे ब्लॉग्स एडिट करने में, बनाने में। तो प्लीज़ थोड़ा सा हेल्प भी कर देना मेरा, कि मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ा दीजिए और मेरे लाइक्स भी थोड़े बहुत बढ़ा दीजिए और व्यूज़ भी। यार मेरे बहुत सारे मेरे प्रीवियस ब्लॉग्स चेकआउट किए गाइस, मैंने बहुत सारे मेरे वीडियो शॉर्ट्स सब चेक किए, मैंने व्यूज़ बढ़ रहे हैं, सब्सक्राइब कोई कर ही नहीं रहा, सब देख के जा रहे सब्सक्राइब कर ही रहा। प्लीज़ यार कर लो, फ्री का होता है वो, कर लो। तो बस हो गया, ज़्यादा बात नहीं करता हूँ, आपको डायरेक्ट अभी चलते चिकन शॉप में। तो हे गाइस, मैं चिकन शॉप से आ चुका हूँ, चिकन लेकर आ चुका हूँ मैं। और अभी आप देख सकते हो मैं अभी ये पूरा फ्रेश एकदम चिकन लेकर आ चुका हूँ। तो अभी बस इसको थोड़ा मैरिनेशन कर देता हूँ थोड़ा सा और बनाता हूँ फटाफट। पापा भी काम पे गए हैं और मम्मी थोड़ा बाहर गई है और मेरा भाई नानी के पास है, तो इसीलिए घर पे कोई भी नहीं है। इसीलिए थोड़ा इच्छा हुआ कि भाई तू कुछ तो कर लेता हो, क्योंकि बोर्ड्स के सारे एग्ज़ाम ख़त्म, थोड़ा स्ट्रेस फ्री होना था मुझे। तो बस अभी ये बनाता हूँ फटाफट और आपको दिखाता हूँ। और सारे इंग्रेडिएंट्स जो भी मैं डालूंगा तो वो आपको ऑब्वियसली स्क्रीन पे मैं डाल दूंगा सारे के सारे, तो आप वहाँ से चेकआउट करना कि आपको अगर बनाना रहेगा तो आप बना सकते हो ना, ठीक है। तो अभी फटाफट इसको मैरिनेशन के लिए रख देता हूँ मैं, तो आपको दिखाता हूँ थोड़े से सिनेमैटिक्स।
गाइस, जैसे कि आपने देखा कि मैंने उसका जो अपना चिकन है उसका मैरिनेशन का प्रोसेस मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया है। तो अभी मैंने पैन को गर्म करने के लिए रख दिया है। अभी हाई फ्लेम पे रखता हूँ, थोड़ा सा हाई फ्लेम पे मैंने रख दिया है। तो पापा भी अभी काम से आए हैं, तो फटाफट से बनाता हूँ, पापा को देता हूँ। तो मिलता हूँ आपको नेक्स्ट क्लिप में। और अगर आपको अगर ये ट्राई करना होगा तो प्लीज़ ज़रूर ट्राई कीजिए आपके। तो मैं अभी इसको फटाफट से फ्राई कर लेता हूँ नॉर्मली, और फिर बाद में आपको दिखाता हूँ कि उसका जो फाइनल जो रिज़ल्ट है वो कैसा है। ठीक है, तो स्टे ट्यून। सो हे गाइस, अभी ये जो दो ड्रम स्टिक्स है वो रेडी हो चुके हैं। तो अभी मैं डैड को देता हूँ खाने के लिए, और देखते हैं उनका रिव्यू क्या होता है। ठीक है, तो चलो चलते लेके। पापा कौन सांगा कसे गरम है, थांबा जरा रिव्यू सांगा नंतर। आता गरम है। तो गाइस, अभी पापा को दे दिया है, बाकी के जितने भी वो भी सब रेडी कर लेता हूँ। तो अपन डैड से बाद में रिव्यू ले लेंगे। ठीक है, चलो। पापा कैसा लगा आपको? अच्छा है। 100 आउट ऑफ कितना? 90। 10 किधर कम हो गया? थोड़ा दिखा दिया था। त्यामध्ये मी हनी टाकलंय, अजून ऑरेंज ज्यूस टाकलं थोडासा। गाइस, 100 आउट ऑफ 90 अपने चिकन फ्राइड को। तो मतलब आप इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हो। और हाँ, मैं आपको ये चीज़ मैं बताना भूल गया था, और ये चीज़ मैं डालना भी भूल गया था मतलब क्लिप में, कि मैंने उसके अंदर थोड़ा हनी ऐड किया है और थोड़ा सा हाफ लेमन जूस भी थोड़ा सा ऐड किया है। मतलब इतना इतना लेमन जूस मैंने ऐड किया है, इतना कप पर, बस उतना ही, ज़्यादा नहीं डाला मैंने उसके अंदर। इसीलिए थोड़ा वो स्वीटनेस उसके अंदर थोड़ी सी है। तो आप थोड़ा सा ये ट्राई कर सकते हो घर पे। तो स्टे ट्यून। नहीं तो मुझे लगता है कि यहाँ पर मुझे इस ब्लॉग को एंड करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे भी बहुत कुछ करने का है, और थोड़ा सा मेरा मीटिंग भी है थोड़ी सी, इस वजह से मुझे ब्लॉग करने को नहीं मिलेगा। तो प्लीज़ अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया हो, मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिए, लाइक करना, कमेंट करना कि कैसी लगी आपको। तो और अगर आपको लगता है कि मैं डेली ब्लॉगिंग करूँ, तो कमेंट में बस यस करके लिख देना। अगर 20 से ज़्यादा कमेंट आए यस के, तो मैं डेली ब्लॉगिंग करूँगा आप लोग के लिए। तो बस सपोर्ट करते रहिए। तो स्टे ट्यून, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।